ऑडियंस को आज का मोहम्मद अली आज के लाइव सेशन मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है, जिसका मेन मकसद मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बीएस बायो साइंसेज बीएस बायो केमिस्ट्री उसका इंट्रोडक्शन लेना है। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खताबुद्दीन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बायो साइंसेज के मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे तो इनिशियली ये सवाल पूछना है कि ये बायोकेमिस्ट्री है क्या चीज और आगे इसका फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है। देखिए हमारे पास जो है बीएस डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज में अभी बीएस लेवल पे तीन प्रोग्राम रन हो रहे हैं। एक हमारा बीएस बायो साइंसेज है, फिर बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, और अब जो एक नया प्रोग्राम जो हम स्प्रिंग 22 से लॉन्च कर रहे हैं वो है बीएस बायोकेमिस्ट्री, जो असल में इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लेके चले बीएस बायो साइंसेज को तो ये बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, और बायोलॉजिकल साइंसेज में जो मेजर डोमेन है वो जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, और बायोटेक्नोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। फिर उसको अगर उसकी बायोलॉजिकल साइंस की आप अप्लाइड फॉर्म देखें तो ऑब्वियस है वो बायोटेक्नोलॉजी है, कि जितनी भी बायोलॉजिकल साइंसेज की हम एप्लीकेशन देखते हैं इंडस्ट्री लेवल पे तो वो फिर डोमेन आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी का। इसी तरह बायोलॉजिकल साइंसेज का एक सब डोमेन जो है वो बायोकेमिस्ट्री है, और बायोकेमिस्ट्री को हम कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो केमिस्ट्री असल में जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होता है। केमिस्ट्री जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को स्टडी करना है। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो बायो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन से रिलेटेड स्टडी है। तो सर इसका हमें आगे क्या स्कोप होगा और हम कोई जॉब क्या हासिल कर सकते हैं, कहाँ रिसर्च हासिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स जो इसको बीएस बायोकेमिस्ट्री में मुझे यूनिवर्सिटी से पास आउट होता। अच्छा, जो बीएस बायोकेमिस्ट्री जैसे मैंने बताया था 4 ईयर्स का प्रोग्राम है, और इसमें जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और जो हमारे पास मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं वो लिपिड हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और डीएनए है, तो इनको हम स्टडी करते हैं। फिर इनके जो केमिकल ऑब्वियस है केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग सेल में उनको स्टडी करते हैं। तो ये एक साइंस है जिसमें आप बायोमॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अब ये बायोमॉलिक्यूल अगर प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियस है ये आपने स्टडी किया होगा, और अगर वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो उससे डिजीज होंगी। तो जितनी भी बायोलॉजिकल डिजीजेस हैं वो आप इसमें स्टडी करते हैं, और बायोमॉलिक्यूल के फंक्शन जो है वो स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा, इनकी एप्लीकेशन जो है चूंकि इट्स सब डोमेन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, तो इनकी जो है मेडिकल कॉलेजेस में जो है बीइंग ए फैकल्टी हायरिंग होती है, एग्रीकल्चर में होती है, बायोफार्मास्यूटिकल्स में है जो रिसर्च हो रही होती है बायोलॉजिकल साइंसेस में, इसमें भी इनकी जो है वो एप्लीकेशंस हैं। सर मैं मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई स्टूडेंट मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको क्या क्या बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन करने के लिए उसको क्या क्या उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है? बीएस बायोकेमिस्ट्री में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंटरमीडिएट है, एफएससी है, और उसमें जो परसेंटेज है वो मिनिमम जो है वो 45% है, कि उससे जो है वो 45 या अबव अगर परसेंटेज होगी। हाँ, ये मैं बता दूं कि इसमें जैसे प्री मेडिकल के स्टूडेंट तो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन प्री इंजीनियरिंग के जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, वो भी एडमिशन जो है वो बीएस बायोकेमिस्ट्री में ले सकते हैं। तो सर जैसे मैंने कहा कि जो प्री इंजीनियरिंग के मेडिकल के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे वो एडमिशन ले सकते हैं, तो क्या उनको कुछ डेफिशिएंसी कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे एडमिशन में या एडमिशन के बाद, या अपना वो कवर किस तरह करेंगे क्योंकि उनको बायोलॉजी? असल में जो इसमें ये होता है कि अगर प्री मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में एक मैथमेटिक्स 1 के नाम से कोर्स है वो पढ़ना होता है, 3 क्रेडिट आपका कोर्स है। इसी तरह अगर प्री इंजीनियरिंग के होंगे तो चूंकि वो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के नहीं होते तो फिर उनको बायोलॉजी 1 के नाम से कोर्स है जिसमें
इंटरमीडिएट की बायोलॉजी जो है वो पढ़ाई जाती है, क्योंकि वही उनकी डेफिशिएंसी होती है। तो कोई इस तरह के एक्स्ट्रा कोर्सेज जो है उनको नहीं पढ़ने पड़ते। प्री मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो हैं वो मैथ 1 पढ़ते हैं, तो उसी टाइम पे जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं वो बायोलॉजी 1 जो है वो पढ़ रहे होते हैं। सर मुझे ये पूछना चाह रहा था कि मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो यहाँ पे क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, या अगर कोई स्टूडेंट जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो कैसे पढ़े? इसमें दो तरह की स्कॉलरशिप है, एक मेरिट स्कॉलरशिप है और एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो जब हमारे एडमिशन हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे मेरिट स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल है। 75% या उससे अबव जिनकी परसेंटेज होती है उनको 50%, और जिनकी 80% और अबव होती है उनको 100% जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है। ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है एडमिशन के टाइम पे। और फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की बेसिस पे अगर उनकी 4 CGPA होती है स्टूडेंट की, वो 4 CGPA जो है वो अपने आ जाती है उनकी, तो फिर उनको जो है वो फुल ट्यूशन फी जो है वो वेव होती है। तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो 4 CGPA सेमेस्टर वाइज उनकी होती है और वो फिर कोई ट्यूशन फी जो है वो नहीं देते। तो ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। इसी तरह हमारी एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है जिसमें वो स्टूडेंट जिनकी CGPA नहीं आती या उनकी परसेंटेज कम होती है लेकिन दे नीड स्कॉलरशिप, तो फिर वो जो है उसके लिए उनको अप्लाई करना होता है। वो एक हमारी कमेटी होती है वो उनके उनकी नीड को देखते हुए उस बेसिस पे फिर उनको स्कॉलरशिप जो है वो अवॉर्ड की जाती है। तो ये दो तरह की स्कॉलरशिप जो है वो माजून में अवेलेबल है। सर एक सवाल जो हमसे कॉमनली पूछा जाता है कि वो मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे अप्लाई करें वो एडमिशन के लिए? हमारा एडमिशन ऑफिस है। जैसे ही आप मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी आएंगे तो बिल्कुल फ्रंट पे हमारा एडमिशन ऑफिस है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ पे फॉर्म फिल करें और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं जिसमें FSC का सर्टिफिकेट या मार्कशीट है, CNSE की कॉपी है और जो है फोटोग्राफ्स हैं, वो आप देखिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन आप माजू के वेबसाइट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है फिर आपको एडमिशन टेस्ट की डेट दी जाती है, आप वो टेस्ट में अपीयर होते हैं और अगर वो एडमिशन टेस्ट आप पास कर लें तो उसके बाद जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन के लिए। सर कुछ सवाल हमसे कॉमनली पूछे जाते हैं वो ये कि आपकी फीस क्या है, जैसे पर सेमेस्टर कितनी फीस स्टूडेंट को पे करनी पड़ेगी? क्रेडिट आवर्स होते हैं, जैसे पहले सेमेस्टर में 18 क्रेडिट आवर्स हैं, तो पर यहाँ पे पर क्रेडिट आवर जो है वो फीस होती है जो 5,500 है BS बायोकेमिस्ट्री की। तो टोटल 18 क्रेडिट आवर है फर्स्ट सेमेस्टर में। इसी तरह हर सेमेस्टर में थोड़े बहुत वेरी करके 15 से 18 क्रेडिट आवर्स होते हैं, तो हर क्रेडिट आवर के जो है वो 5,500 फी होती है। तो सेमेस्टर वाइज फी होती है यहाँ पे। सही। और सर कुछ सवाल ये आ रहे हैं कि जो क्या मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, कहीं का विजिट होता है जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो कि बायोकेमिस्ट्री का काफी स्कोप है, तो ऐसा कोई एक्टिविटी वगैरह होती जी है? बिल्कुल, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं और ये हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाता है और स्टूडेंट जो है उसमें बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो जी बिल्कुल, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ये तो बड़ा हर सेमेस्टर वाइज होती हैं। सर कुछ सामान हमारे पास जो कॉमनली मौजूद है वो ये कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर कराची से बाहर से अप्लाई करते हैं, इंटीरियर साइंस से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अगर वो यहाँ पर आए तो उनका होगा क्या सिस्टम, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या उनके लिए कुछ अवेलेबल है यहाँ पर आके रहने के लिए, या कुछ आने जाने का कुछ सिस्टम, क्या हॉस्टल वगैरह कुछ अवेलेबल है क्या? जी, अगर आउटसाइड ऑफ सिटी जो है वो स्टूडेंट आते हैं तो जैसे मैंने बताया कि वो एप्लीकेशन फॉर्म तो ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं और जब लेकिन ऑब्वियस है टेस्ट के लिए उनको यहाँ पे आना पड़ेगा और टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। इसके अलावा वंस दे गॉट एडमिशन इन माजू तो फिर ये फैसिलिटी जो है वो कन्वेंस की भी अवेलेबल है और जो है वो हॉस्टल की भी अवेलेबल है। तो उनको हॉस्टल भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और जो है वो कन्वेंस भी ऑब्वियस है माजू जो है वो मुहैया करते हैं। सर एडमिशन के टाइम पे क्या कोई टेस्ट हमें देना होगा, तो उस टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, किस दिन आपका टेस्ट होगा?
जो माजू में टेस्ट होता है वो जनरल टेस्ट होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता बल्कि जनरल टेस्ट होता है। इसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है जो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज पे बेस करता है। तो वो इंटरमीडिएट लेवल के ही होगा, जैसे कि हम जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट अगर उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट है तो जो क्वेश्चन है वो मोस्टली इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट लेवल के ही होते हैं। सर। एक सवाल जो हमारे पास अभी कॉमनली इसमें फेसबुक पे आया है, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कोई कितने सेमेस्टर पर कोर्स हमें, मतलब कितने कोर्सेज पर सेमेस्टर हमें लेने होता है? देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो कोर्स होता है वो या तो 2 क्रेडिट आवर्स का होता है या 3 क्रेडिट आवर्स के होते हैं। तो ये HSC का क्राइटेरिया है कि मिनिमम 15 क्रेडिट आवर पर सेमेस्टर होने चाहिए और मैक्सिमम 18 होने चाहिए। तो मोस्टली जो है वो हमारे 5 कोर्सेज पर सेमेस्टर होते हैं या 6 कोर्सेज जो है वो पर सेमेस्टर होते हैं। आप व्यूवर्स भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इसी लाइव सेशन के कमेंट्स में आप सवाल पूछ सकते हैं आपसे। और सर, कुछ सवाल हमारे पास अभी आए हुए हैं, वो सवालों के जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। सही, तो अभी हमने नया जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं बीएस बायोकेमिस्ट्री, तो अगर अगेन आप हमें इसका स्कोप बता दें, क्योंकि कुछ व्यवसाय जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया वो उसका सवाल हासिल नहीं कर सके। अगेन इसका बायोकेमिस्ट्री का स्कोप आगे क्या है, क्योंकि नया लॉन्च हो रहा है? देखें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे 2 प्रोग्राम जो हैं वो ऑलरेडी रन हो रहे हैं, बायोलॉजिकल BS बायोसाइंसेस विच इज बायोलॉजिकल साइंसेस एंड BS अप्लाइड साइंसेस। तो BS बायोसाइंसेस को कहते हैं हम अम्ब्रेला ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस। और मैं थोड़ा सा फिर उसको एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि बायोलॉजिकल साइंसेस में हमारे जो डोमेन है वो जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, ये हमारे मेन डोमेन है बायोलॉजिकल साइंसेज में। तो जब हम BS बायोसाइंसेज की बात कर रहे होते हैं तो हम इन तमाम डोमेन्स की बात कर रहे होते हैं। फिर इसमें एक डोमेन हमारा आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इन तमाम बायोलॉजिकल साइंसेज की एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो जैसे आपको भी पता है कि जैसे डिफरेंट एंजाइमोलॉजी में हम एंजाइम प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, जैसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट की बात कर रहे होते हैं, जैसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात कर रहे होते हैं। तो ये एप्लीकेशन है असल में बायोलॉजिकल साइंसेज की। तो ये हम बायोटेक्नोलॉजी में इनको स्टडी कर रहे होते हैं। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री जो है इसको आसान अल्फाज में कहा जाता है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है कि ये आप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और फंक्शन को देख रहे होते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री, चूंकि केमिस्ट्री के आगे बायो आ गया, तो इसका मतलब ये है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं कि उनके क्या फंक्शन है लिविंग सेल में। अब जब तक आप, जहां आप इनकी एप्लीकेशन की बात कर रहे होते हैं कि आफ्टर हैविंग दिस नॉलेज, तो अब अगर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर फंक्शन करेंगे तो हम नॉर्मल नजर आएंगे, लेकिन अगर कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो वो डिजीज की सूरत में जाहिर हो रहा होता है। तो ये जैसे हम डायबिटीज की बात कर रहे होते हैं, तो डायबिटीज जो है वो ऑब्वियस है, मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफेक्ट है। तो ये सारी स्टडी जो है वो फिर बायोकेमिस्ट्री के डोमेन में हम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल कॉलेजेस जो में है एज ए फैकल्टी मेंबर वो कर सकते हैं। बायोफार्मास्यूटिकल में इनकी जॉब्स आती हैं। पेपर इंडस्ट्री है हमारे पास, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। इसी तरह एग्रीकल्चर, मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में एक बींग एग्रीकल्चर कंट्री, हमें पता है कि हमारी मेजोरिटी प्रोडक्ट जो है वो एग्रीकल्चर से आ रही होती है, तो वहां पे इनकी एप्लीकेशन जो है और जॉब प्रोस्पेक्ट बनते हैं। बस यही व्यूअर्स आपके कुछ सवाल थे, और जो मेन सवाल हमसे पूछे जाते हैं वही कुछ सवाल के जवाब मैंने HOD यूनिवर्सिटी से पूछा। यहाँ पर मैं अपना लास्ट सेशन एंड करता हूँ, और आप तमाम व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें सुना, और मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर आपने ऑब्जर्व किया। असलामु अलैकुम।